बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर की कथा के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां लाखों भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हिंदू राष्ट्र वाले बयान के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ये सनातन धर्म की जीत है, ये सनातनियों की लहर है, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। अपने दरबार में चमत्कार करने के दावे को लेकर देश भर में चर्चे में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम लगातार पूरे कैंपस को सर्च कर रही है। इसके साथ ही 25 पुलिस कर्मियों की SIT गठित की गई है और स्वयं छतरपुर SP बागेश्वर धाम पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए कहा कि इस भारत में जब जब सनातन की बात आई है तो सनातन विरोधियों ने बोला है और हमें उनसे डरना नहीं है। हमें अपने ईष्ट श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज पर पूरा भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा के उपासक हैं, अपने ईष्ट पर पूरा भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उनके अनुयायियों ने अभूतपूर्व स्वागत किया। बेटियों का विवाह करवाया जाता है 13 फरवरी, पूरी बात बोल लीजिए, आपकी बात आ गए, हमारी भी तो होने दीजिए ना। 13 फरवरी से 19 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें 15 फरवरी से 19 तारीख तक श्रीमद् जगतगुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्रदास जी महाराज जी की कथा है, रासलीला है। 18 फरवरी को ऐसी 121 बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई नहीं, पूरे उपहार की व्यवस्था सहित बागेश्वर परिवार उनका विवाह करेगा, पूरी व्यवस्था सहित करेगा। और साथ ही साथ चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या होगी। हमारी प्रार्थना है आप सब इस सामाजिक समरसता के आयोजन में, जहां ना कोई जाति होगी बेटियों की, ना कोई धर्म होगा, ना कोई पंथ होगा, उन बेटियों की आयोजन। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सरकार के किसी बड़े मंत्री ने आपसे या किसी ने संपर्क किया जिस तरीके से आपके लिए, इस तरीके से? हम बहुत ज्यादा राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। अध्यात्म से संबंधित हमारे जीवन की यात्रा है, सनातन से संबंधित जीवन की यात्रा है। जो जो सनातनी है हमारा वो है। सर,